I, Koni, and our family lives in a holy city of Punjab, Amritsar, with my partner Parveen and three daughters, Colin, Carol, and Sylvia. Also my mother, brother, with his wife. Our home is just a few yards away from the main road and have a good view of nature from our window. And have two gardens, one on the ground and the other one on the terrace, in which we had fruit trees and many flowering plants. So welcome to my channel. Please subscribe the channel Koni Diaries. Hello friends, welcome to our channel Koni Diaries. आप सबका Koni Diaries में स्वागत है. मैं Koni Diaries की परिवार की तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ तहे दिल से कि आपने जो मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था आपने उसको पसंद किया और मुझे कमेंट्स भी अच्छे आए हैं उसके ऊपर, जिसने मुझे काफ़ी हौसला दिया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया है ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छे कंटेंट के ऊपर ब्लॉग्स बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं. सो प्लीज़ आप इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में और बढ़िया जो है ब्लॉग्स बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ. तो पहला ब्लॉग, जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के बर्थडे की सरप्राइज़ पार्टी की तरह जो है वो बनाया था. तो आज मेरी वाइफ पिंकी मेरे साथ है, तो वो भी आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहती हैं. सो प्लीज़ पिंकी जी, क्या आपको तो लगता है कि हमने जो पार्टी उस दिन हमने सेलिब्रेट की, आपको सरप्राइज पार्टी दी, आपको कैसा लगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगी एंड आई वांट टू से थैंक्स टू स्पेशली Koni Diaries व्यूअर्स. उन्होंने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, जैसे आप सब लोगों ने देखा कि मेरी पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से प्लान किया मेरा बर्थडे और मुझे बहुत अच्छा लगा. मिड नाइट मुझे विश किया, बच्चों ने बहुत अच्छे सरप्राइज गिफ्ट दिए और स्पेशली मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया पूरा मेरा बर्थडे को और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, म्यूजिक चलाया. रियली मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उनका और बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए. इसी तरह से वो पहला वीडियो जो इन्होंने डाला अपने चैनल पे और व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले हैं, थैंक यू सो मच. जैसे आप सब जानते हो कि इनका जो चैनल Koni Diaries है उसमें इन्होंने पहली वीडियो डाली वो भी मेरे बर्थडे पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड थी कि इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने भी बहुत व्यू किया, लाइक किया उसको, थैंक यू सो मच. और इसी तरह से आप इनके अदर वीडियोज़ जो भी डालते रहेंगे उसको लाइक. मैं ही डालूंगा इकट्ठे सारा परिवार जो है ना वो मिलकर डालेंगे, क्योंकि ये मेरे अकेले का चैनल है, इट्स अ फैमिली चैनल Koni Diaries. तो नाम जरूर मेरा है बट डायरी मतलब कि हम सब जो है इसमें रहेगी, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको अपना पर्सनल चैनल नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको बनाया है तो मैंने ये दिमाग में रख के चैनल का नाम दिया और बनाया कि हम सब मिलके जैसे जैसे अपने जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो इस चैनल में हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने व्यूअर्स के सामने लेके जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. सो अभी मेरे हाथ में अगर आप सब देख रहे होंगे तो एक छोटा सा ना टॉय है, दैट इज कॉल्ड लिटल टॉप. पहले कभी इसको देखा है ऐसा कोई टॉय अपने बचपन में? हाँ मैंने देखा तो है बचपन में जब हम छोटे होते थे, तो मतलब अक्सर जब हम स्कूल से आते थे तो बच्चे इसके साथ खेलते थे. तो इसको पंजाबी में लाटू कहते हैं जो कि थ्रेड के साथ चलाया जाता था. मैंने कभी नहीं चलाया लेकिन मैंने दूसरे बच्चों को चलाते हुए जरूर देखा. नॉर्मली ये लड़कों लड़के ही इसको चलाते थे, क्योंकि मैं अगर अपनी चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैंने भी इसको इसी मिला, ये मैंने बड़ा भी संभाल के रखा हुआ है, मैंने अपने ख्याल से किसी को पता नहीं है. एंड ये जो लाटू है ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैंने इसको अपने जब मैं फिफ्थ और सिक्स क्लास में पढ़ता था तब मैंने इसको खरीदा था और मैंने इसके साथ फिफ्थ और सिक्स का रियली और तब से मैंने थोड़ा सा ये इसकी जो, क्योंकि ये नॉर्मली ग्ले का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, तो इसको डू यू नो कि इसको बनाता कौन है? नॉर्मली जो है ना बच्चे इसके ऊपर लाख लगाते थे लाल रंग की, ताकि ये थोड़ा सा क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो जब इसको हम यूज करते हैं
तो ये टूटने का टच तो काफी रहता था। इसके नीचे ना एक छोटी सी नेल लगी होती है जिसके जिसके सहारे ही रोटेट करता है, वो नेल के ऊपर रोटेट करता है और इसका और कई बार हम पैसे भी लगाते थे इसके ऊपर, बच्चे थे तो पैसे भी लगाते थे, जो जीतेगा उसको 50 पैसे 1 रुपया, क्योंकि तब तो 50 पैसे और 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। ये मैं अगर बात करूँ 80s की बात करूँ तो फिर 50 पैसे का बहुत कुछ आ जाता था, 1 रुपये का बहुत कुछ आ जाता था, तो तब की ये बात है। तो चलो मैं अपने व्यूअर्स को इसको ना चला के बताता हूँ कि इसको हम कैसे उस टाइम में चलाते थे और अभी भी मैं इसको क्या चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। तो लेट्स सी व्यूअर्स, इसको हम ऐसे ना जो डोरी है इसके ऊपर ऐसे बांधते हैं, थोड़ा सा जो पहला वाला होता है उसको थोड़ा सा हम टाइट बांधते हैं और फिर उसके बाद इसको ऐसे ऐसे ऊपर हम लेके चलते जाते हैं और लास्ट में इसको ऐसे करते थे। और फिर ये जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर इसको ऐसे रैप करके तो इसको हम ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे एक उंगली जो थंब होता था वो ऊपर होता था और इस तरह हम इसकी ग्रिप ले लेते थे। और इसके बाद हमें कोई हार्ड सरफेस चाहिए होता था जिसके ऊपर हम इसको चलाएं ताकि ये काफ़ी देर तक जो है वो उस घूमता रहे। ठीक है जी, तो अब मैं इसको चलाता हूँ, लेट्स सी कि अभी मेरे से ठीक तरह चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं इसको चलाने लगा हूँ। तो अभी मैं इसको जो कहते हैं अभी जाली इसकी जो मैं लगाता हूँ। चल पड़ा भाई, चल पड़ा, कामयाब हो गया। तो अब ये चल रहा है तो इसका जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 3 मिनट्स तक ये जो है वो रोटेट होता है। तो अभी ये देखते हैं कब तक रोटेट होता है, इट विल टेक टाइम। तो व्यूअर्स ये देखो बिल्कुल स्टिल चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि रोटेट ही नहीं कर रहा है, ये अभी फुल स्पीड पे चल रहा है। तो आप ऊपर से भी इसको देख सकते हो, सो ये ऐसे चलता है। अब ये इसकी जो एनर्जी है जो हमने इसको दी थी वो थोड़ी सी अब कम हो रही है, तो अब ये जो है कि अब ये गिरने वाला है, इसका मतलब कि अब ये गिरने वाला है।